के बाथरूम में रख रही थी ताकि उनको आर्टिफिशियल रेन दे सकूं, और ये जनाब ये गमला खुद उठाने की कोशिश कर रहे थे और इस गमले को गिरा दिया है। ऐसे नहीं उठाते। एक्चुअली ये वाला मैक्रेन का आइडिया शिवांगी का था, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि ऐसी कुछ डिज़ाइन चाहिए उसको। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये था कि मुझे कुछ ग्रीन ऐड करना था क्योंकि इसका सोफ़ा ग्रीन कलर का है, इसलिए मॉर्निंग गाइज आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और बिंदास हो गए। और ये बच्चा आज सुबह 7 बजे ही उठ गया और उठने के बाद इसने बचाया हुआ है आतंक। इधर आओ, ये इधर आओ गाइस, तुमको बुला रहे, इधर आओ। अभी वो परफ्यूम से लगे हुए हैं। तो आज ना वॉक करी है क्योंकि ये उठ गए थे जल्दी, तो आज हमने कोई काम नहीं किया है, सुबह से इनके साथ खेल ही रहे हैं हम और डैडा दोनों। ये हम दिवाली की सफाई, तो बहुत सारी डस्टिंग करनी है, इसीलिए नाश्ता डायरेक्ट नाश्ता रेडी करते हैं, हैवी नाश्ता करते हैं और उसके बाद लग जाते हैं काम पे। आज सारे काम करने हैं, जितना हो सकता है निपटा देते हैं। लगा दो मम्मा को परफ्यूम, लगा दो। कैसे लगाते परफ्यूम? गए थे सुबह जल्दी इसीलिए पहले उनको ब्रेकफास्ट करा देते हैं, फिर हम अपना ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे। और उनके ब्रेकफास्ट में बनाएंगे हम एप्पल स्मूदी और हम लोग खाएंगे मेथी के पराठे। और चाय पापा ने बनाई है, पराठे मैंने, और ये अचार सासू माँ के हाथ का है। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। के बाथरूम में रख रही थी ताकि उनको आर्टिफिशियल रेन दे सकूं, और ये जनाब ये गमला खुद उठाने की कोशिश कर रहे थे और इस गमले को गिरा दिया है। ऐसे नहीं उठाते, लगे हुए मम्मी की हेल्प कराने में। कितना काम काजू लड़का है मेरा। ऐसे सफाई कर देते हैं और जब ये थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा इसके बाद खाद डाल गुड़ाई करके खाद डाल देंगे तो एकदम रिफ्रेश फील करेंगे। प्लांट पानी लेंगे उतनी देर तक सिवाय भी खेलते रहेंगे पानी में, उनको बहुत मजे आ रहे हैं पानी से खेलने में। क्या है मम्मम? और क्या प्लांट? प्लांट प्लांट मम्मम ले रहा है। मैंने रख दिया है 15 मिनट शावर में और इनको जब 15-20 मिनट का पानी मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे और एनर्जाइज हो जाएंगे। क्लॉथ है ये थोड़ा सा गंदा भी हो रखा है, तो मैं सारे जितने भी ड्राइंग रूम में रखे हुए इन सबको चेंज कर दूंगी और एक बार वॉश हो जाएगा तो ये मस्त महीने 15 दिन के लिए साफ बना रहेगा।
फाइनली सारा काम हो गया है ख़त्म। मैंने सारे कपड़े निकाल के जो भी टेबल क्लॉथ थे सब उसको धुलने को डाल दिया, कुशन्स कवर भी डाल दिए, पेड़ों को मस्त शावर दे दिया है। तो अब जब वो सूख जाएंगे तो उनको प्रॉपरली मैं प्लेस करूँगी। अब जाके फटाफट मैं भी शावर लेती हूँ और आने के बाद फिर सारा घर सेट करूँगी। दिवाली पार्टी है तो इनको पहनना है कुछ ट्रेडिशनल, और दिवाली पार्टी है बट फैमिली को नहीं बुलाया है तो सिर्फ यही लोग जाएंगे। ऐसा क्यों करते हो, फैमिली को भी इनवाइट किया करो यार। निपटाने के बाद मयंक भाई का आ गया था कॉल, तो अभी जा रहे हैं शिवांगी और मयंक के घर, और शिवाय को भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब से हम लोग बैंगलोर से वापस आए हैं इसको पार्क लेके नहीं गए हैं क्योंकि पोल्यूशन इतना है और ये थोड़ा सा परेशान भी हो रहा, कब तक कार्टून देखें। मोमो से मिल लेगा, उसके लिए चेंज हो जाएगा। किससे मिलने जा रहे हो? मोमो से मिलने। और कौन है? बुआ, बुआ। और फूफा? पापा। फूफा? बाबा। फूफा? दादा। फूफा? हमारी सोसाइटी में लग गई है लाइट्स, अच्छा लग रहा है क्योंकि दिवाली आने वाली है तो सब जगह लाइटें वगैरह लग गई हैं। तैयारियां शुरू हो गई हैं और पूरी सोसाइटी जगमगा रही है लाइटों से। और शिवांगी का घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जस्ट बगल वाली सोसाइटी है, तो हम 7-8 मिनट में उनके घर पहुँच जाते हैं आराम से। सोसाइटी का गेट और ये भी अच्छे से सज गया है, दिवाली की चकाचौंध में अलग ही चमचमा रहा है, अच्छा लग रहा है। डैडा लोग चले गए क्या? चलो रुके हुए हैं। मम्मा कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो? इधर दिखाओ शक्ल। मोमो किससे मिलने जा रहे हो? मोमो किसी कर दो मोमो को। मोमो को समझ में नहीं आया। एक्साइटमेंट इतना रहता है मोमो से मिलने का, यहाँ आते ही फिस हो जाता है। हम लोग आ गए मयंक भाई के घर और प्लान हो रहा है कि कुछ बाहर से ऑर्डर करेंगे। मयंक भाई ने काफी टाइम से चिकन खाया नहीं है तो ये लोग खाएंगे चिकन, और शिवांगी वेजिटेरियन है तो शिवांगी का साथ देंगे आज हम भी, तो हम भी आज वेज खाएंगे। काफ़ी तेज़ भूख, और मयंक भाई ने ये दिया हुआ है, ये कॉर्न पफ नींबू मसाला है, तो काफ़ी बड़ा पैकेट है और ऑर्डर आने में अभी टाइम है इसीलिए अपनी भूख इससे ख़त्म करते हैं। कैसा बचपन में भी ऐसा पैकेट आता था और नाम नहीं याद आ रहा है, पर उसी के जैसा टेस्ट है और शेप उससे काफ़ी बड़ा है। हमें है पेड़ों का उतना ही शौक, मैडम को भी है, और ये इनका मॉन्स्टेरा है। मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, ये देखिए लीफ पे ना ये सपोर्ट लगा रखा है क्योंकि इसकी लीव्स काफ़ी हैवी होती है ना, तो अगर हम ये लगा देंगे तो इसकी लीव्स झुकेंगी नहीं और ये एज इट इज़ बरकरार रहेंगी, तो ये पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एक्चुअली ये वाला मैक्रेन का आइडिया शिवांगी का था, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि ऐसी कुछ डिज़ाइन चाहिए उसको, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये था कि मुझे कुछ ग्रीन ऐड करना था क्योंकि इसका सोफ़ा ग्रीन कलर का है, इसलिए मैंने ये ग्रीन कलर्स ऐड करे और ये कुछ सैंड कलर्स हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सारे कलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो देखते हैं कस्टमर रिव्यू डालते हैं वही बताएंगे कि कैसा है। ऐसा लग रहा है अच्छा लग रहा है। बनाएंगे लेमन टी, और आज ऐसा हुआ है कि मयंक भाई पियेंगे चाय, ये चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं पर इन्होंने कहा है लेमन टी ज़रूर पियेंगे। एक्चुअली लेमन टी मैं अच्छी बना लेती हूँ, शिवांगी को आती नहीं है, तो इसीलिए हम लेमन टी बनाएंगे और मयंक भाई को ट्राई कराएंगे गर्मा गर्म लेमन टी। डील है अभी कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन चल रहा है फॉरेन ट्रिप का, बट लेट्स फोकस ऑन आर लेमन टी। ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गई इनकी डिश, और ये पुआ छुपा के खा रहे हैं। शिवाय ने सारा खत्म कर दिया है, कुछ पीसेस बचे हैं इसलिए बुआ ने छुपा के लगी हुई नहीं है। ये भाई साहब गए थे 12th फेल देखने और उस पूरी पिक्चर में 3 बार सोए। शक्ल दिखाओ कितनी बार सोए? 3 बार
आधे आधे घंटे की 3 मिनट हुआ तो 2 घंटे कैसे बोली तू वो आदमी यही है जो पिक्चर में सोता है पैसे देख के मूवी सोता है इसको घर कम पड़ जाता है ना और ऑर्डर किया है चिकन शोरमा और ये क्या है मोमोज है क्या तो हमारे और शिवांगी के लिए मोमोज और इनके लिए शोरमा रोल यहाँ से ऑर्डर किए थे मोमोज शेज चंग सिंह से और भाई 200 रुपए में सिर्फ 6 मोमोज बहुत गंदा कटाया हमारा खा के भी टेस्ट कर ही लेते हैं 6 मोमोज वैसे एकदम ठंडे हैं पर टेस्ट अच्छा है व्यू आता है इनकी बालकनी इतनी शानदार है ना पूरा नोएडा दिखाई देता पूरा तो नहीं पर आधा नोएडा ज़रूर दिखाई देता है और देखो पोल्यूशन कम है इसीलिए दूर तक दिख रहा है आज काफ़ी बेटर है मतलब आज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है फिर भी हल्का सा धुंधला तो दिख ही रहा है और लाइटें वगैरह लग चुकी हैं फिर यहाँ पे लगाते हैं चाट वाले भैया और वो पूरा रोड है जहाँ हम जाते हैं वॉक करने ये वाला एरिया ये देख अरे 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 इधर इधर लेकर आओ इधर तू पीछे आ शिवाय पीछे हो मोमो आएगा एकदम से आपको चोट लग जाएगी फिर हाँ फेंको उस तरफ फेंको 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 उसके मुंह पे ही फेंक रहा है अबे ऐसे नहीं फेंकना बुआ का सामान टूट जाएगा इधर आओ गो 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 ये फेंको यहाँ पे फेंको हाँ फेंको उधर फेंको उधर 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 ये गुड 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 शिवाय कोई बैठ गया मैं नहीं आ रहा तुम लोग बहुत भगाओगे मुझे मैं नहीं आ रहा और केला खाने से लूज मोशन कम होते हैं इसीलिए ट्राई कर रहे हैं कि मोमो केला खा ले उसका पेट बन जाए पर मोमो खाने का नाम नहीं ले रहा है कि ना मैं नहीं खाऊंगा ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ मत करना इंसानों तक ठीक है मम्मी लगी हुई है केला खिला अब पापा की बारी क्या लगता है पापा खिला पाएंगे मोमो को केला भाई बाप बाप होता है कुछ भी कहो खिला दिया बाप ने भाई मान लो बाप का हो गया पोपट अरे देखते हैं खा पाएगा आज मोमो केला की नहीं खा ले भाई तेरे लूज मोशन बंद हो जाएंगे केला खाने से पेट टाइट हो जाता है गुड बॉय बाप जीत गए फाइनली कंग्रेचुलेशन है गाना और यहाँ पे भी चल रहा है डांस डांस चल रहा है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है टू कॉपी हो रही है कि कैसे डांस करना है हाँ करो बेटे ओहो 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 ऑर्डर किया था हांडी मटन पर ये इन्होंने हांडी बना दे करके नॉर्मल डब्बे में दिया है हमें लग रहा हमारा दोबारा कट गया है तो इनका रोल देख करके हमारा भी रोल खाने का मन कर गया था बट ये हमारा रोल नहीं है ये दुबई फलाफल रोल है काइंड ऑफ रोल है अच्छा ये सेम उसी जगह से ऑर्डर किया है शेज चंग सिंह रोल आ गया हमारा पर आपको नहीं मिलेगा बुआ और मम्मा खाएंगे काफी बड़ा है तो ये मिक्स वेज का है मतलब पनीर वाला नहीं है थोड़ा सा ड्राई है बट टेस्ट ठीक है कुछ ज्यादा खास नहीं है ना ठीक है बहुत बढ़िया नहीं है चंपारण मीट का बॉक्स देख करके हमारा कट गया है
अच्छा तो गलत निकली है, तो मतलब कतई मजे आ गए लोगों को खा करके, लोगों को देख करके लग रहा है कि मटन काफी अच्छा था और इनको काफी मजे आ रहे हैं खा करके। क्यों महंग भाई, बढ़िया था, जबरदस्त था। सबका हो गया है और अब हम आज के ब्लॉग को यहीं पे करेंगे समाप्त। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, बाय कर लो सब, बाय। सिद्धार्थ तुम पैसे लोगे क्या बाय करने के?